हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य जांगिड। एंड जिन जिन ने भी मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल लक्ष्य जांगिड, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो मेरे नोटिफिकेशंस हैं, जो भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है, वो जल्दी जल्दी राइटर्स के पास पहुँच पाएँ। अब आते हैं, आज जो हमारा नया ट्यूटोरियल है, जो मैं आज ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया हूँ, उसका नाम है सर्कल व्हीली, हाउ टू डू सर्कल व्हीली। हाउ टू डू व्हीली, हाउ टू डू ब्रेकिंग, ये मैंने आपको पहले मेरे ट्यूटोरियल से बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद है कि हाउ टू डू ब्रेकिंग, इफ़ यू लर्न हाउ टू डू ब्रेकिंग एंड व्हीली ऑन स्टंट बाइक, सो यू कैन गो थ्रू माई पेज एंड चेक इट आउट। सर्कल को कंप्लीट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमें ब्रेकिंग का यूज़ करना पड़ता है। ब्रेकिंग और ब्रेकिंग के साथ में हमें अपनी बॉडी बैलेंसिंग भी करनी पड़ती है, वो जिस तरह से कि जब हम व्हीली पॉप कर रहे हैं, व्हीली पॉप करने के बाद में हम ब्रेकिंग से एक एच पॉइंट पे व्हीली चलाएंगे, और उसके बाद में जिस साइड पर आपको सर्कल करना है, या तो राइट या फिर लेफ्ट, मेरा बेसिक राइट है, तो मैं राइट साइड के हिसाब से आपको पहले बताता हूँ। अगर आपको राइट साइड में सर्कल परफॉर्म करना है, तो यू हैव टू टिल्ट योर बाइक टू द राइट साइड, मतलब आपको राइट साइड में अपना बाइक को टिल्ट करना है, लीन करना है, और उसके बाद में जो अपना बॉडी बैलेंसिंग है, वो अपोजिट साइड डालना है, ताकि एक बैलेंस बना रहे, ताकि आप राइट साइड में ज़्यादा लीन होकर गिर ना जाएं। देन सेम ऐसा ही होता है कि लेफ्ट साइड में, अगर आपको सर्कल लेफ्ट साइड में करना है, तो आपको अपनी बाइक को ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा इस लेफ्ट साइड में, एंड बॉडी बैलेंस को राइट साइड में, तो आप इजीली सर्कल कंप्लीट कर पाएंगे। और सर्कल कंप्लीट करने के बाद में आप इसमें 8 फिगर बना सकते हैं, और काफ़ी सारे और स्टंट्स आप कर सकते हैं, बट बेसिक ये है कि आपको ब्रेकिंग आनी चाहिए और अपनी बॉडी बैलेंसिंग से अपनी व्हीली को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने जो आर्म्स हैं, उनको थोड़ा सा बैंड रखिएगा, ताकि आप जब भी साइकिल को बैलेंस करेंगे नीचे लैंड होने से पहले, तो आप इसको इस तरह से पुल और पुश कर सकेंगे, ताकि आप और बैलेंसिंग कर सकेंगे। छोटी छोटी बैलेंसिंग होती है, जो हमें बड़े बड़े स्टंट्स को करने के लिए बहुत यूज़फुल होती है। और इसके अंदर हैंडल का भी बहुत ज़्यादा, हैंडल पोजीशन, हैंडल बार का पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ आप सर्कल कर रहे हैं राइट साइड में, और आप अपना हैंडल इस तरह से रखते हैं, तो मोस्टली ये होता है कि आपका सर्कल एकदम लीन पोजीशन में आप सर्कल बनाते हैं। जो आपका सर्कल व्हीली होगा, बहुत लीन पोजीशन में होगा, और अगर आप अपना हैंडल बार इस तरह से रखेंगे, तो आपकी जो सर्कल है, वो एकदम स्ट्रेट तो नहीं, बट हाँ, अच्छी हाइट पे सर्कल व्हीली और छोटी होती हैं। और इसी के साथ ये भी है कि जो हमारा एयर प्रेशर होता है साइकिल का, सर्कल व्हीली और व्हीली करने के लिए जो एयर प्रेशर होता है, वो हमारे टायर का जो PSI है, उसका आधे का थोड़ा सा ज़्यादा अपन को हवा उसमें रखनी पड़ती है, ताकि टायर को सरफेस ज़्यादा मिल जाए फ्लोर पे, और अच्छे से सर्कल हो पाए। तो ये था सर्कल व्हीली, एंड आई होप आप लोग को मेरे ट्यूटोरियल समझ में आते होंगे और काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, अच्छा लगा आप लोग के लिए वीडियोस मैं बना पा रहा हूँ, मुझे भी इसमें खुशी मिल रही है। आई सीरियसली वांट कि एक एक MTB स्टंट राइडर इंडिया का मुझे सपोर्ट करे इन चीज़ों में, कि मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि सबको मैं सिखा पाऊँ अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई वीडियोग्राफर टीम चैनल, एंड प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। और थैंक्स अ लॉट टू एवरी MTB स्टंट राइडर जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं वीडियोज़ के नीचे, कि अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं कि वीडियो कैसा लगा, क्या लगा। थैंक यू सो मच अगेन। अभी दोबारा मिलेंगे हम अगले ट्यूटोरियल के साथ में। प्रैक्टिस हार्ड एंड राइड हार्ड, राइड सेफ, यूज़ हेलमेट, यूज़ गियर्स, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।